ईक्यू में थोड़े से इम्प्रूवमेंट से भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आने वाले चैप्टर्स में हम यही जानेंगे कि हम किस तरह अपने ईक्यू को बढ़ा सकते हैं। जब आपके पास हाई लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस होता है तो आप नेगेटिव सिचुएशंस में भी अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हेलो ब्रेन बुक आर्मी, स्वागत है आपका ब्रेन बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज मैं आपके लिए ट्रेविस ब्रैडबेरी और जीन ग्रीव्स की बुक इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0 की कंप्लीट बुक समरी लेकर आया हूं। दोस्तों, हम लोग एक हाईली कम्पेटिटिव दुनिया में रहते हैं, जहां सफल होने के लिए और खुश रहने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत ही अहम रोल है। इस बुक इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0 में ट्रेविस और जीन ने स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम के बारे में बताया है, जिसकी मदद से आप आसानी से अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस यानी एक सी रहने वाली परफॉर्मेंस दे सकते हैं और अपनी लाइफ के गोल्स को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में बताई जा रही अनमोल जानकारी में खो जाएं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके अपने चैनल ब्रेन बुक पर मैं आपके लिए लाइफ चेंजिंग और इंस्पायरिंग बुक्स की कंप्लीट बुक समरीज लेकर आता हूं। तो अगर आपने अभी तक ब्रेन बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें, ताकि आप देख सकें इन वीडियोस को सबसे पहले। इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सभी इम्पोर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोबारा दोहरा दूंगा, ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, द जर्नी। आमतौर पर हम किसी इंसान की एबिलिटी को उसके इंटेलिजेंस या आईक्यू से मापते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हाई आईक्यू वाले लोग लो आईक्यू वाले लोगों से ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भी सफल इंसान के लिए आईक्यू से ज्यादा इम्पोर्टेंट इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि ईक्यू है। जो लोग इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें खुद के और दूसरों के फीलिंग्स और इमोशंस की अच्छी समझ होती है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि हम लोग एक कम्पेटिटिव दुनिया में रहते हैं, जहां हम आपस में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज और डेटिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए कम्पीट करते रहते हैं, यानी प्रतियोगिता करते हैं, जहां आगे बढ़ने और सफल होने के लिए एकेडमिक और टेक्निकल ट्रेनिंग के अलावा कुछ स्पेशल स्किल की जरूरत होती है, और वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। चैप्टर 2, द बिग पिक्चर। एक रिसर्च में 10 साल तक 5 लाख लोगों को ऑब्जर्व किया गया, जिससे पता चला कि सिर्फ 36% लोग ही अपने इमोशंस को समझ पाते हैं, यानी कि हम में से ज्यादातर लोगों का अपने इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। आमतौर पर हम लोग इस बात को अनदेखा कर देते हैं और ये समझ नहीं पाते कि इस दुनिया में कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए हमें नॉलेज और इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों की ही जरूरत पड़ती है। एक हाई इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप अपने और दूसरों के फीलिंग्स को बखूबी समझते हैं और आप इस चीज का इस्तेमाल करके खुद के बिहेवियर और रिलेशनशिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ईक्यू में थोड़े से इम्प्रूवमेंट से भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि ईक्यू में इम्प्रूवमेंट के साथ साथ आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और डिसीजन मेकिंग स्किल्स में भी इम्प्रूवमेंट होता है। एक स्टडी के मुताबिक किसी भी तरह के प्रोफेशन में लगभग 58% परफॉर्मेंस आपके ईक्यू पर डिपेंड करती है। इसके अलावा इस स्टडी से ये भी पता चलता है कि 90% हाई परफॉर्मेंस लोगों का ईक्यू स्कोर ज्यादा होता है, और इन लोगों की इनकम भी दूसरों से ज्यादा होती है, जो आमतौर पर लो ईक्यू वाले लोगों से सालाना लगभग 2.5 लाख रुपए अधिक कमाते हैं। आने वाले चैप्टर्स में हम यही जानेंगे कि हम किस तरह अपने ईक्यू को बढ़ा सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। चैप्टर 3, व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस लुक्स लाइक। राइटर कहते हैं कि 4 तरह के इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल्स, जिनमें से पहले 2 स्किल्स की मदद से आप खुद के इमोशंस को समझ सकते हैं और बाकी के 2 स्किल्स की मदद से आप दूसरों के इमोशंस, मूड्स और बिहेवियर को समझ सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस 2 चीजों को लेकर बनता है। पहला,
रियल टाइम में अपने इमोशंस को समझना और दूसरे किसी भी सिचुएशन में अपने रिएक्शंस पर ध्यान देना। ये एक तरह से फाउंडेशन स्किल है जिसकी मदद से दूसरे EQ स्किल्स का इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। जब आपके पास हाई लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस होता है तो आप नेगेटिव सिचुएशंस में भी अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं और किसी भी तरह की गलती से बच सकते हैं। हाई लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि आप अपनी ताकत और कमजोरियों को अच्छी तरह से पहचानते हैं और ये भी समझते हैं कि कौन से लोग या कौन सी सिचुएशंस आपके इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट वो एबिलिटी है जिसकी मदद से आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस का इस्तेमाल अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि किसी खराब सिचुएशन में आप अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और सोच समझकर सबसे बेस्ट डिसीजंस लेते हैं। इसमें जो सबसे मुश्किल चीज है वो है लंबे समय तक अपने इमोशंस को मैनेज करना। याद रखें, सफलता तभी मिलती है जब आप अपने शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स को छोड़कर अपने लॉन्ग टर्म लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं। सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस वो एबिलिटी है जिसकी मदद से आप दूसरों के इमोशंस, थिंकिंग और फीलिंग्स को समझ सकते हैं। इसकी मदद से आप किसी भी सिचुएशन को सामने वाले के नजरिए से भी देख सकते हैं और उसके अनुसार अपना एक्शन ले सकते हैं। सोशल अवेयरनेस के स्किल को बेहतर करने के लिए दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और उन्हें ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्कोर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप दूसरों से कितनी अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर पाते हैं और दूसरों के इमोशंस को कितनी अच्छी तरह से समझ पाते हैं। जब आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा होता है तो आप किसी भी इंसान के साथ घुल मिल सकते हैं। ज्यादातर रिलेशनशिप्स के खराब होने का मुख्य कारण होता है गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन। रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल आपको इस तरह के सिचुएशन से भी बचाता है। दोस्तों, ब्रेन बुक चैनल पर हमारी सोच है कि हम आपके साथ लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरी शेयर कर आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकें। हमारी इसी सोच को पूरा करने के लिए कुकू FM, जो कि इंडिया का एक लीडिंग पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है, ने ब्रेन बुक आर्मी यानी आपके लिए स्पेशल 50% डिस्काउंट का उपहार दिया है। अगर आप बुक समरीज, इंस्पिरेशनल बायोग्राफी सुनना पसंद करते हैं तो आप अपने फोन पर कुकू FM मोबाइल ऐप इंस्टॉल करके मास्टर योर इमोशंस और ऐसी ही ढेर सारी ऑडियोस को सुनकर अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। कुकू FM का सबसे बड़ा फीचर ये है कि इस नॉलेज को लेते वक्त आपको एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है। आप चलते फिरते, ट्रैवल करते हुए, ड्राइव करते हुए भी सुन सकते हैं। इस ऐप की सालाना सब्सक्रिप्शन 399 रुपए है, पर अगर आप BB50 कोड को यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट, यानी कि अब आपकी सालाना सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपए की होगी, जो कि रोज के लगभग 50 पैसे है। इस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी हजारों बुक समरीज, इंस्पिरेशनल बायोग्राफीज और भी बहुत कुछ। याद रखें कि ये 50% डिस्काउंट केवल पहले 250 यूजर्स के लिए है, तो देर मत कीजिए और इस स्पेशल BB50 डिस्काउंट कोड का फायदा उठाकर अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव लाइए। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर कुकू FM ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर 4, डिगिंग इन एन एक्शन प्लान टू इंक्रीज योर EQ। बेहतर EQ स्किल्स के साथ हमारे दिमाग के इमोशनल और रैशनल हिस्सों में आसानी से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। ये दोनों आपस में जितना ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं, इनके बीच का कनेक्शन उतना ही मजबूत होता जाता है और हमारी EQ इम्प्रूव होती है। ये डेवलपमेंट हमारे दिमाग की प्लास्टिसिटी के जरिए पॉसिबल है। प्लास्टिसिटी का मतलब है नई इंफॉर्मेशन के अनुसार हमारे दिमाग की चेंज होने की एबिलिटी, यानी कि हमारा दिमाग अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए नए नए सेलुलर कनेक्शंस बनाता है। इनकी संख्या जितनी ज्यादा होगी, आपका इमोशंस पर उतना ही ज्यादा कंट्रोल होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर आप गुस्सा होने पर अक्सर चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन अगली बार गुस्सा होने पर आप शांत रहने का फैसला करते हैं, तो इस तरह से आपके दिमाग में एक नया सेलुलर कनेक्शन बन जाता है और जब आप इस चीज को दोबारा दोहराते हैं तो ये कनेक्शन और मजबूत होता जाता है। अंत में गुस्सा होने के कारण आप चीखने की अपनी आदत को छोड़ देते हैं। राइटर ने इमोशनल इंटेलिजेंस एक्शन प्लान के कुछ स्टेप्स बताए हैं,
जो आपको आगे बताए जाने वाले EQ स्ट्रेटजीज पर फोकस करने में आपकी मदद करेंगे। चूज वन EQ स्किल टू वर्क ऑन। हमारा दिमाग एक टाइम पर सिर्फ एक ही स्किल पर फोकस कर सकता है, इसलिए एक टाइम पर सिर्फ एक ही स्किल पर काम करें। एम फॉर सक्सेस नॉट परफेक्शन। अपने EQ को डेवलप करने के लिए आपको लगातार अपने आप में सुधार करने की जरूरत होगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अपने EQ को अलग अलग सिचुएशंस और लोगों पर अप्लाई करें। अपने EQ को बढ़ाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। बी पेशेंट। EQ को इम्प्रूव करने में टाइम लगता है। आगे बताई जाने वाली एक्सरसाइज को करने के 3 से 6 महीने के बाद ही आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, इसलिए धैर्य रखें। चैप्टर 5 सेल्फ अवेयरनेस स्ट्रेटजीज। दूसरों के साथ अच्छे रिलेशनशिप मैनेज करने के पहले आपको खुद को मैनेज करना सीखना होगा और अपने नेगेटिव और पॉजिटिव फीलिंग्स के प्रति पूरी तरह से अवेयर रहना होगा। इस चैप्टर में हम कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में जानेंगे जो आपके सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करने में आपकी मदद करेंगे। फील योर इमोशंस फिजिकली। हमारा दिमाग और हमारा शरीर दोनों इस तरह से जुड़े हुए हैं कि जब भी हमारे अंदर किसी तरह की फीलिंग उठती है तो उसका असर हमारे शरीर जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट बीट और शरीर के दूसरे फंक्शंस पर पड़ता है। इसलिए अपनी फीलिंग्स को समझने का सबसे बेहतर तरीका है अपने शरीर में आए बदलाव पर ध्यान देना। अपनी इस एबिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ समय शांत होकर बैठें और अपनी आंखों को बंद करके अपने दिल की धड़कन, अपनी सांसों और गर्दन और हाथ पैर के मसल्स को महसूस करने की कोशिश करें। इस बात पर ध्यान दें कि नॉर्मल सिचुएशन में आपके शरीर की स्थिति कैसी है। इसके बाद अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इवेंट के बारे में सोचें और ध्यान दें कि दोनों इमोशंस को फील करते समय आपकी हार्ट बीट तेज थी या धीमे थी, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा था या घट रहा था, आपके मसल्स टाइट हो रहे थे या रिलैक्स्ड हो रहे थे। इस तरह अगर आप इस एक्सरसाइज को बार बार दोहराते हैं तो आप अपने शरीर में हुए बदलाव पर ध्यान देकर आप आसानी से अपने इमोशंस को समझ सकते हैं। नो हु एंड वॉट पुशेज योर बटन्स। हम में से हर किसी का किसी ना किसी तरह का कोई ट्रिगर होता है जो हमें बहुत इरिटेट करता है। ये ट्रिगर कोई सिचुएशन, कोई इंसान या किसी तरह का एनवायरनमेंट हो सकता है। एक बार जब आप इन ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं तो ये आपके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाते और आप शांति से किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं। स्पॉट योर इमोशंस इन बुक्स, मूवीज एंड म्यूजिक। किसी किताब को पढ़ते वक्त, कोई मूवी देखते वक्त या कोई म्यूजिक सुनते वक्त अपने इमोशंस पर ध्यान दें। इससे आपको खुद के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। किसी गाने, नावल या पिक्चर का कॉन्टेंट आपके इमोशंस के गहरे दरवाजों को भी खोल सकता है। सीक फीडबैक। आप खुद को किस तरह से देखते हैं और दूसरे आपको जिस तरह से देखते हैं, इसके बीच हमेशा एक बहुत अंतर होता है। अपने सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करने के लिए आपको दोनों ही के नजरियों की जरूरत पड़ेगी। दूसरों से अपने बारे में उनकी राय जानें, उनसे पूछें कि आपके किसी थॉट या आइडिया पर उनका क्या कहना है। क्विट ट्रीटिंग योर फीलिंग्स एज गुड और बैड। अपने किसी भी फीलिंग पर अच्छे या बुरे का लेबल लगाना छोड़ दें। गुड फीलिंग और बैड फीलिंग के चक्कर में आप अक्सर ये समझने से चूक जाते हैं कि आप असल में कैसा फील कर रहे हैं। इस तरह से अपने इमोशंस को मिसजज करना आपके लिए रिस्की होता है। चैप्टर 6 सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। जब आप अपने खुद के इमोशंस को समझने लगते हैं तो इसके बाद इसे मैनेज करने की बारी आती है, ताकि आप किसी भी सिचुएशन में अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें। इस तरह से आप इमोशनल हाईजैकिंग से बच सकते हैं। चलिए कुछ सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में जान लेते हैं। ब्रीद राइट। ज्यादातर समय हम लोग ठीक से सांस नहीं लेते। अक्सर हम लोग डीप ब्रीदिंग के बजाय शैलो ब्रीदिंग करते हैं। इसका मतलब है कि हमें जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हमारे शरीर को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ऑक्सीजन की कमी का असर हमारे मूड पर पड़ता है, इसलिए जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो तो उस समय अपनी नाक से लंबी लंबी गहरी सांसें लें और अपने मुंह से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। इस तरह से ब्रीदिंग करने पर आपका मन शांत होता है
और आप बिल्कुल क्लियर तरीके से सोच पाते हैं। मेक योर गोल्स पब्लिक। जब आपके गोल्स के बारे में दूसरों को पता होता है तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी आ जाती है जो आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए पुश करती है। मोटिवेशन सेल्फ मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और जब दूसरे लोग आपकी प्रोग्रेस पर नजर रखते हैं तो आप हमेशा कुछ ज्यादा करने के लिए मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रहते हैं। स्माइल एंड लाफ मोर। जब आप बुरे मूड में होते हैं तो ऐसे में खुद को हंसने पर मजबूर करना आपके मूड को काफी हद तक बेहतर बना सकता है। ये बात साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव हो चुकी है। जैसे कि एक स्टडी में दो ग्रुप्स को किसी कॉमिक का एक पेज पढ़ने को कहा गया। पहले ग्रुप को अपने दोस्तों के बीच एक पेंसिल को रखकर कॉमिक पढ़ने के लिए कहा गया, जिससे वो स्माइल करने के लिए खुद को फोर्स करें। वहीं दूसरे ग्रुप को होंठों के बीच पेंसिल को रखकर कॉमिक पढ़ने को कहा गया। इसका रिजल्ट ये निकला कि जो लोग अपने दांतों के बीच पेंसिल को रखकर कॉमिक पढ़ रहे थे, उन्हें ये कॉमिक बहुत ही फनी और मजेदार लगी। इसलिए जब भी आपका मूड खराब हो तो कोई कॉमेडी शो देखें या कोई फनी आर्टिकल या बुक पढ़ें। इससे आपका मूड भी बेहतर होगा और आप काफी अच्छा भी महसूस करेंगे। विजुअलाइज योरसेल्फ सक्सीडिंग। जिस तरह असलियत में अपनी आंखों से किसी भी चीज को देखने पर आपका दिमाग उसे प्रोसेस करता है, उसी तरह जब आप अपने मन में कुछ विजुअलाइज करते हैं तब भी आपका दिमाग इसी तरह से काम करता है जैसे आप सचमुच अपने सामने उसे देख रहे हैं। जब आप अपने मन में इस तरह से विजुअलाइज करते हैं कि आप आसानी से अपने इमोशंस को मैनेज कर रहे हैं तो आपका दिमाग इसे एक्सेप्ट करने लगता है। इसे एक हैबिट बनाने की कोशिश करें। इसके लिए किसी शांत जगह पर बैठकर अपने मन में ये इमेजिन करें कि आप अपने इमोशंस को मैनेज कर रहे हैं और आप सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हैं। क्लीन अप योर स्लीप हाइजीन। एक अच्छी नींद आपको फ्लेक्सिबिलिटी, क्लियर माइंड और अलर्टनेस देती है जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के लिए बहुत जरूरी है। एक अच्छी नींद के लिए सोने से लगभग 2 घंटे पहले हर तरह के गैजेट यानी टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल को बंद कर दें, क्योंकि जब आप सोने से पहले इस तरह के गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो इनके स्क्रीन से निकलने वाली लाइट से आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा सोने से पहले चाय या कॉफी पीना बंद करें। साथ ही साथ काम करने या टीवी देखने के लिए अलग स्पेस का इस्तेमाल करें। बेड पर बैठकर कभी भी काम ना करें। बेड का इस्तेमाल सिर्फ रात को सोने वक्त ही करें। पुट अ मेंटल रिचार्ज इनटू योर शेड्यूल। अपने दिमाग की देखभाल करने के साथ साथ आपको अपने शरीर की भी अच्छी देखभाल करनी होगी। इसके लिए जरूरी है कि आप हर रोज किसी न किसी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपके शरीर में बेनिफिशियल हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके शरीर की ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करते हैं और आपके मूड को बेहतर बनाते हैं। साथ ही साथ किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी आपके दिमाग की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और डिसीजन मेकिंग स्किल को भी बेहतर करते हैं। चैप्टर 7 सोशल अवेयरनेस स्ट्रेटजीज। सोशल अवेयरनेस स्किल को डेवलप करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है ऑब्जर्वेशन। दूसरों के बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनकी आवाज और पोस्चर पर ध्यान देकर आप ये समझ सकते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है। चलिए सोशल अवेयरनेस स्किल को बेहतर बनाने के कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में जान लेते हैं। ग्रीट पीपल बाय नेम। लोगों को उनके नाम से बुलाना उनसे जुड़ने का बहुत अच्छा तरीका है। दूसरों से बात करते वक्त उनका नाम याद रखने की कोशिश करें और अपनी बातचीत के दौरान कम से कम 2 बार उन्हें उनके नाम से जरूर बुलाएं। डेल कार्नेगी ने अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आप चाहें तो इस बुक की डिटेल्ड समरी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। कोई इंसान क्या सोच रहा है या कैसा फील कर रहा है ये उसके बॉडी लैंग्वेज से काफी हद तक पता चल सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर सामने वाले की आंखों में देखें। एक अच्छा आई कॉन्टेक्ट सिंसियरिटी और ईमानदारी को दर्शाता है। वहीं झुकी हुई नजरें धोखेबाजी और अविश्वास को दर्शाती हैं। इसी तरह लोगों की हंसी और उनके पोस्चर को देखकर आप उनके बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। लिव इन द मोमेंट।
अपने सोशल अवेयरनेस स्किल को बढ़ाने के लिए जो सबसे जरूरी है वो है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। हमारी सोच पास्ट और फ्यूचर में चलती रहती है, इसलिए जरूरी है कि हमारा ध्यान पूरी तरह से प्रेजेंट में रहे। प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ सही टाइम और सही जगह पर। प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ लिसनिंग। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना, सिर्फ एक शब्द पर ध्यान देने और उनकी बातों का मतलब समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरों से बात करते वक्त आपको उनकी आवाज, उनके बात करने के तरीके और उनकी बात करने की स्पीड पर भी ध्यान देना चाहिए। इस तरह से आप सामने वाले की बातों को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। स्टेप इनटू देयर शूज का मतलब है खुद को सामने वाले की जगह पर रखकर सोचना। इसके लिए ये जरूरी है कि आप अपनी इमोशंस और थिंकिंग को कुछ देर के लिए अलग रखकर सामने वाले की बातों को उनके नजरिए से समझने की कोशिश करें। ये समझें कि अगर आप उनकी जगह पर होते तो आप क्या करते। कैच द मूड ऑफ द रूम। जब आप किसी इंसान के इमोशंस और फीलिंग्स को समझना सीख जाते हैं तो आप इसका इस्तेमाल लोगों के एक ग्रुप पर भी कर सकते हैं। लोगों से भरे किसी रूम में एंटर करते ही आपको वहां के मूड का अंदाजा लग जाता है। इसे कलेक्टिव मूड कहा जाता है। जब आप किसी ऑफिस या सेमिनार में जाएं, तो सबसे पहले वहां के एनवायरनमेंट पर ध्यान दें। वहां की एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करें और लोगों के मूवमेंट को देखें। इससे आपको उस जगह और वहां मौजूद लोगों के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। चैप्टर 8, रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। दूसरों के साथ आपके रिश्ते चाहे जितने भी अच्छे हों, लेकिन लंबे समय तक इन रिलेशंस को अच्छा बनाए रखने के लिए एक अच्छी रिलेशनशिप मैनेजमेंट की जरूरत होती है। राइटर ने हमें यहाँ रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में बताया है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। बी ओपन एंड बी क्यूरियस। ओपन होने का मतलब है कि दूसरों को आपके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ताकि लोग आपको मिस इंटरप्रेट ना करें, यानी कि आपको गलत ना समझें। इसी तरह आपको भी दूसरों के बारे में जानने के प्रति उत्सुक होना चाहिए। इसके लिए सामने वाले से उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें जानने की कोशिश करें। ओपननेस और क्यूरियोसिटी लोगों के बारे में ज्यादा जानने में आपकी मदद करते हैं, और ये नए और पुराने दोनों रिलेशनशिप्स पर काम करता है। रिमेंबर द लिटिल थिंग्स दैट पैक अ पंच। आजकल की आधुनिक दुनिया में ग्रेटिट्यूड और कर्टसी के स्टेटमेंट जैसे प्लीज, थैंक यू और आई एम सॉरी को अनदेखा किया जाता है। याद रखें कि इस तरह के कर्टसी स्टेटमेंट का इस्तेमाल अक्सर आपके रिलेशनशिप में जरूरी है। इसी तरह दूसरों की सराहना करने से भी आपके रिलेशंस बेहतर होते हैं। बिल्ड ट्रस्ट। ट्रस्ट बनने में काफी टाइम लगता है, लेकिन इसे खोने में जरा भी टाइम नहीं लगता। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में विश्वास की कमी है, तो अपने सेल्फ अवेयरनेस के जरिए इसके पीछे के कारण को जानने की कोशिश करें। आमतौर पर सामने वाले से साफ साफ बात करना, अच्छी तरह से बिहेव करना विश्वास बनाने में मददगार साबित हो सकता है। इस तरह से आप अपने रिश्तों को और बेहतर कर सकते हैं। एक्नॉलेज द अदर पर्सन्स फीलिंग। एक अच्छी रिलेशनशिप में सामने वाले की फीलिंग्स को समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप भी उसी की तरह फील करें, बल्कि सामने वाले की फीलिंग्स को समझें और रिस्पेक्ट करें। हो सकता है ऐसा करने में आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए ये बहुत जरूरी है। When you care, show it. कभी कभी छोटी से छोटी सराहना भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट या असर डाल सकती है। जब भी आपको किसी के लिए कुछ अच्छा करना हो या कुछ अच्छा कहना हो, तो उसे तुरंत करें या कहें, और बाद के लिए इसे ना टालें। इस तरह कहे जाने वाले छोटे छोटे एक्ट ऑफ काइंडनेस की बदौलत आपके रिलेशंस इतने अच्छे हो जाएंगे जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक्सप्लेन योर डिसीजंस, डोंट जस्ट मेक देम। जब भी आप कोई फैसला लेते हैं जिसका असर आपके साथ साथ दूसरों पर भी पड़ता है, तो उस फैसले को लेने से पहले दूसरों से बात करें और उनके साथ बातचीत करें। उन्हें ये साफ साफ बताएं कि आप कोई फैसला क्यों ले रहे हैं और किसी भी फैसले के लेने के पीछे का आपका कारण क्या है। उस चीज को लेकर दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट
यानी पारदर्शी रहने की कोशिश करें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा, तो चलिए सारी इम्पोर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। किसी भी सफल इंसान के लिए IQ से ज्यादा इम्पोर्टेंट EQ है, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस। एक हाई इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप अपने और दूसरों के फीलिंग्स को बखूबी समझ सकते हैं और आप उस चीज का इस्तेमाल करके खुद के बिहेवियर और रिलेशनशिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स 4 तरह के होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल्स। दूसरों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स मैनेज करने से पहले आपको खुद को मैनेज करना सीखना होगा और अपने नेगेटिव और पॉजिटिव फीलिंग्स के प्रति पूरी तरह से अवेयर रहना होगा। सोशल अवेयरनेस स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है ऑब्जर्वेशन। दूसरों के बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनकी आवाज और पोस्चर पर ध्यान देकर आप ये समझ सकते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0 बुक पर बनाई ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी आपके लिए एक नया लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।